नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। किसान हित में महागठबंधन ने शेखपुरा समाहरणालय के समक्ष बनाई मानव श्रृंखला। शेखपुरा में महागठबंधन के नेतृत्व में आज समाहरणालय के मुख्य द्वार के समीप तीन मुहानी से लेकर चांदनी चौक तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। मानव श्रृंखला के निर्माण केंद्र में सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून को वापस लिए जाने के लिए महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस दौरान राजद विधायक विजय सम्राट, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहनी और कांग्रेस के अनिल शंकर सिन्हा ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही अनिल शंकर सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किस केंद्र सरकार के द्वारा काला कृषि कानून बनाया गया है, जिसके विरोध में आज महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार की नीति के विरोध में इस मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसमें भी सरकार नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को विशेष रूप से तेज किया जाएगा। किसान विरोधी मोदी मुर्दाबाद, संप्रदायी मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। हिंदू हर पानी में डूब मरे, नरेंद्र मोदी सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। नरेंद्र मोदी सलाम करो, चुल्लू हर पानी में डूब मरे, नरेंद्र मोदी सलाम करो, नरेंद्र मोदी। ये काला कानून है, गलत कानून लोग लगा दिए हैं किसान के प्रति, इसको अविलंब हटाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज विरोध मार्च के तौर पर मानव श्रृंखला हम लोग बनाए। कौन कौन लोग इसमें हैं, कौन कौन लोग हैं शामिल थे? अब महागठबंधन के सभी लोग नेता शामिल। क्या लगता है मानव श्रृंखला से सरकार नियति की आपकी सुनेगी बात को? क्यों नहीं सुनेगी, एकदम सुनेगी। नहीं सुनेगी तो ये फिर जनता उग्र होगी। क्या क्या डिमांड है इसके माध्यम से? इसके माध्यम से ये जो है काला कानून जो लाया गया है इसे वापस ले, वापस। कृषि कानून का पूरा ज्ञान हमारे किसानों में नहीं है और उसकी जितनी निटिग्रिटी और डिटेल्स है वो हमारे किसानों को क्लियर नहीं। इससे सिर्फ रिलायंस और अदानी का फायदा होता है। ये नॉर्मल किसान जो 90% किसान है हमारे आज के दिन में भी, जिनको नॉलेज नहीं है इसका, और उनके लिए खासकर ये है। और राष्ट्रीय जनता दल अपने किसान भाई को साथ कंधा से कंधा मिला के उनके साथ संघर्ष करने के लिए आगे तैयार है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।